ये बारिश का साउंड सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये अपने साथ दिक्कतें भी उससे ज्यादा लेके आता है। हाय एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो आज की वीडियो है स्पेशल कॉलेज और स्कूल गर्ल्स के लिए। बरखा रानी तो लगी हुई है जोरों शोरों से बरसने में, तो हमारी तैयारी में क्यों कमी रहे। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ, तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। बरसात का एसिडिक पानी, डस्ट, ह्यूमिडिटी और सूरज की तेज किरणों से बालों की सेहत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ, इन्फेक्शन, इचिंग, हेयर फॉल जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बालों की केयर हमें दुगनी करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है, जिसको मैंने डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म कर लिया है। उसमें मैंने कुछ बूंदे नींबू की डाली है। इसको कम से कम 2 घंटे अपने सर पे रखूंगी और फिर उसके बाद में हेयर वॉश कर लूंगी। मॉनसून के दौरान बढ़ती नमी हमारी त्वचा पर कहर बरपा सकती है, जैसे कि तेल, पसीना, गंदगी हमारी स्किन के रोम छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे हमें पिंपल्स और ब्रेकआउट जैसी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमको हमारा स्किन केयर रूटीन बहुत शिद्दत से फॉलो करना चाहिए। अपने फेस की गंदगी को साफ करके उसको ऑयल फ्री रखना है। 1 दिन में आपको 2 बारी फेस वॉश करना है। हफ्ते में 1 बार आप स्क्रब कर सकते हो और इस तरह से मड वाले फेस पैक लगा लीजिए। यहाँ पर मैं नीम वाला फेस पैक लगा रही हूँ, काफी अच्छा है। फेस पे आप आइस लगा सकते हो। और फेस पे टोनर लगाना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर मैं गुलाब जल लगा रही हूँ। आप चाहो तो घर पे बना सकते हो, नहीं तो मार्केट से भी ला सकते हो। 30-35 रुपए का आ जाता है और काफी अच्छा काम करता है फेस के लिए। मानसून के सीजन में लोग अपने फ्रिजी हेयर से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ। जब भी आप अपने बालों को धोते हैं, उसके थोड़ी देर बाद अपने हाथ पे आप थोड़ा सा सीरम लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों के मिड लेंथ से टिप तक लगा लीजिए। आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। मॉनसून के सीजन में इस तरह के ट्रेंडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से बचें। मौसम में ज्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिस वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी स्किन इरिटेट हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं, फंगल बैक्टीरिया आ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सके तो आप इस तरह के डेंटी पीस पहन लीजिए। अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर का कुछ है तो आप वो पहन लीजिए। फेस पे बहुत ज्यादा पसीना आने के कारण फेस बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाता है। ऐसे में मॉइस्चराइजर लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, जेल वाला। तो यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का और जॉय का यूज करती हूँ, दोनों ही अच्छे हैं। और सनस्क्रीन यूज करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सनस्क्रीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस मौसम में। मौसम में कम से कम मेकअप यूज करना चाहिए। जो स्कूल जाते हैं उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉलेज जाती है, अगर वो ज्यादा मेकअप करती है तो बारिश का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। और आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि वो वाटरप्रूफ ही हो, चाहे वाटरप्रूफ आईलाइनर हो या फिर काजल हो या फिर ये मस्कारा हो। आप सिंपल सा वाटरप्रूफ मस्कारा लगा सकते हो, मैट वाली लिपस्टिक लगा सकते हो, उसी को अपने गालों पे एज अ ब्लशर यूज कर सकते हो। हैवी फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, ये सब चीजें लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बरसात के सीजन में। जब भी आप बाहर जाने के लिए रेडी होती हैं, तो इस तरह से जीन्स तो बिल्कुल भी ना पहने, खासकर ये स्किनी वाली, क्योंकि ये भीगती है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और इनको सूखने में भी टाइम लगता है। और इस तरह के ट्रांसपेरेंट टॉप भी बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि इनमें थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरती है और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। आप इस तरह की आउटर वियर जैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये वाटरप्रूफ होता है। बाय चांस कभी आपके पास अम्ब्रेला नहीं, अगर आपके पास ये जैकेट है तो ये बहुत हद तक आपकी बॉडी को भीगने से बचा सकता है। आप इस अम्ब्रेला के साथ भी पहन सकते हो, ये आपके अंदर के कपड़ों को बिल्कुल भी भीगने नहीं देगा। जब भी आप बाहर जाते हो, आपके बैग में एक छोटा सा छाता होना चाहिए और ये जैकेट होनी चाहिए और एक वाटरप्रूफ पाउच होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर आपका मोबाइल भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर बाय चांस आपका मोबाइल किसी भी कारण से गीला हो जाए, तो आप उसको सबसे पहले स्विच ऑफ करो और जो चावल का कंटेनर होता है उसमें उसको डाल दो 24 घंटे के लिए। चावल आपके फोन का सारा मॉइस्चर सोख लेगा और उसके बाद आपका फोन सही हो जाएगा। इस समय जो लॉन्ग फ्रॉक वाले सूट होते हैं उनको पहनने से बचे, साथ ही जो हैवी दुपट्टे वाले सूट होते हैं उनको भी पहनने से बचे। आप इस तरह के स्कार्फ ले सकते हैं।
मॉनसून के सीजन में आप इस तरह कपड़े वाले जूतों को बाय बाय कर दीजिए, साथ ही आप इस तरह के सैंडल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बारिश के मौसम में हवादार और आरामदायक फुटवेयर पहनने चाहिए, जैसा मौसम वैसा ही फुटवेयर का चुनाव भी होना चाहिए। आप इस मौसम में फ्लिप फ्लॉप ले सकते हो, रबड़ सोल वाले सैंडल ले सकते हो, क्रॉक्स ले सकते हो, कंफर्टेबल स्ट्रैप्स वाले सैंडल ले सकते हो। इस मौसम के लिए फ्लोटर्स भी बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आप बाहर से आ रहे हो तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करो, क्योंकि मॉनसून के सीजन में बैक्टीरिया और जर्म्स बहुत जल्दी पनपते हैं। साथ ही अगर आप बाहर हो तो आप अपने साथ सैनिटाइजर लेके जाओ। कुछ भी खाने से पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हो, और सेम चीज पैरों के साथ भी है। बाहर से आते ही आपको सबसे पहले अपने पैरों को वॉश करना है। आप चाहो तो बॉडी वॉश का भी यूज कर सकते हो। मॉनसून के सीजन में होने वाली तमाम समस्याओं से नीम की पत्तियां आपको बचा सकती है, क्योंकि नीम में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण, जो हमारी स्किन और हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं इस मॉनसून सीजन में। यहाँ पे मैंने नीम की कुछ पत्तियां ली है, उनको अच्छे से धो दिया है, और यहाँ पर मैंने एक जग पानी लिया है, उसमें सारी नीम की पत्तियां डाल दी है। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको पकाऊंगी और फिर इसके बाद ठंडा होकर इसका इस्तेमाल करूंगी। आगे आप देख लेना कि मैं इसका कैसे यूज करती हूँ। बाहर से आने के बाद अपने पैरों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक टब में थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा अपना बॉडी वॉश डाला है, साथ ही मैंने इसमें वो नीम का पानी डाला है। इससे मेरे पैर में जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे। मॉनसून के सीजन में अपने पैरों को साफ और सूखे रखिए, खासकर जो उंगलियों वाला हिस्सा है, यहीं पर ही बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जितना हम अपने पैरों को साफ और स्वच्छ रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप इस नीम के पानी से नहा भी सकते हो, आपकी बॉडी में अगर घमौरिया हो रही तो इसको दूर करेगा, साथ ही अगर पसीने की बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो उससे भी आपको निजात देगा। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको एक वाटरप्रूफ बैग परचेज करना चाहिए। अगर वाटरप्रूफ बैग नहीं है तो इस तरह से कोई भी वाटरप्रूफ कपड़ा अपने बैग के ऊपर लपेट लीजिए, उससे आप अपने बैग को भीगने से बचा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मां वैष्णो, बाय।